खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी इस बार भी लगी है लड़की के हाथ। अपने बिंदास अंदाज से हर स्टंट को परफॉर्म करती नजर आई है निया शर्मा। आखिरकार इस चमचमाती ट्रॉफी को कर लिया है निया ने अपने नाम। अपनी इस जीत की खुशी को शेयर करते हुए निया ने कहा कि दिया है उन्होंने सबको जवाब जो कहते थे कि निया सिर्फ मेकअप और स्टाइलिंग करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक विनर है और मैंने साबित कर लिया है। एक इंटरव्यू में अपने खतरों के खिलाड़ी इस जीत को बयान करते हुए निया ने कहा, खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया स्पेशल एडिशन एक फन से शुरू हुआ था। बहुत जल्द सीजन जीतने का मेरे लिए एकमात्र एजेंडा बन गया। आई गेव माई ऑल टू माई एवरी स्टंट दैट आई परफॉर्म। टीम ने भी मुझ पर हमेशा भरोसा रखा और अपना बेस्ट देने के लिए एनकरेज किया। कलर्स ने मुझे ये दूसरा मौका दिया था। अपने इस सेकंड अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं दे सकती थी मैं। मुझे जीतना था और मैं किसी और रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होती। इस सीजन को जीतकर मेरे अंदर खुशी और सेटिस्फेक्शन आ गया। ये उन सभी के लिए जवाब है जो समझते थे कि निया सिर्फ मेकअप और स्टाइलिश के लिए है, लेकिन नहीं, वो एक विनर है और उसने प्रूव कर दिया है। खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया की जर्नी रही है निया की काफी कमाल की। चाहे अंडरवाटर स्टंट्स हो या फिर मिट्टी से गुजरना, चाहे बस पर चढ़कर फ्लैग इकट्ठे करने हो या फिर ऊंचाई पर चढ़कर स्टंट परफॉर्म करना, अपने हर स्टंट को निया ने बखूबी परफॉर्म किया है। वहीं फिनाले का आखिरी स्टंट भी था काफी दमदार, जहां महारानी के चोरी किए हुए हार को ढूंढना था काफी मुश्किल, जहां पर था एक्सप्लोजन शॉक और कांच का टूटना। ये स्टंट तो था बिल्कुल रोहित शेट्टी स्टाइल बॉलीवुड। निया की ये जीत है काफी डिजर्विंग। अपने को कंटेस्टेंट को दी थी निया ने कड़ी टक्कर। आपका क्या कहना है निया के इस जीत पर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।